हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपडेट ट्यूटोरियल्स। एक बार फिर से आप सभी के बीच माई सेल्फ महेश कुमार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग क्लास टेंथ का एनसीईआरटी का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें आज हम लोग कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को सोल्यूशन करना सीखेंगे, जिसमें कि अगर वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन दिए हैं तो उसको हम क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे और उसको सोल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने एक दो वीडियो पढ़ा है, उसको सोल्यूशन करना लगभग हम लोगों ने सीख लिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोई भी दिया है तो उसके जीरोज कैसे फाइंड करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सेम अगर वर्ड प्रॉब्लम में कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, अगर उसका हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं तो उसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूले से उसको हम सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप ना कीजिए, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप लोग को नहीं मिलेगा। आधा अधूरा वीडियो देखेंगे, आधा समझ में आएगा, जिससे आप लोग को अच्छा लगे या ना लगे, बट कंप्लीट देखेंगे तो हम बहुत तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, बट ऐसा ज़रूर कहेंगे अगर कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको क्वेश्चन जो भी सोल्यूशन किया जा रहा है, कराया जा रहा है, उसमें 80-90% आप लोग को आने की चांस है, आप लोग को आएगा। नहीं आएगा तो आप लोग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जितने भी उसके मेथड है, तरीके हैं, शॉर्ट है, जो भी है, सब कुछ लगभग कंप्लीट करके उस वीडियो को दिया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम के, जिसमें पहला क्वेश्चन है आप लोग को ये इस साइड दिख रहा होगा कि फाइंड टू नंबर्स हूज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर है जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है, तो फाइंड दैट नंबर, तो आप नंबर फाइंड कीजिए। ठीक है, जब ऐसा कहीं भी नंबर दे कि दो नंबर है, दोनों का सम कुछ है, प्रोडक्ट कुछ है, तो अगर सम दिया है तो हम इसको कुछ ना कुछ लेट करेंगे दो नंबर को। तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, सोल्यूशन में करने से पहले इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, देन सेकेंड नंबर बी 27 माइनस एक्स। अभी 27 माइनस एक्स क्यों लेट किया, क्योंकि जब दो नंबर दोनों का सम अगर दे दिया है तो अगर एक नंबर हमको कोई भी फाइंड आउट हो जाए, पता चल जाए, तो हम दूसरा क्या करते हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइंड आउट हो जाता है। जैसे हमको पता चल जाए कि मेरे पास 10 रुपये हैं, ठीक, किसी को 2 रुपये दे दिए तो मेरे पास कितने बचे, तो हम 10 से 2 माइनस कर लेंगे, पता चल जाएगा। ठीक, उसी तरह क्या है कि मैंने एक नंबर को लेट कर लिया कि जो फर्स्ट नंबर है एक्स है, तो दूसरा वाला को फाइंड करने के लिए हम उसी नंबर से उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं, वो पता चलता है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों नंबर का सम 27 है, तो हम इसको अगर इसको सम करें तो 27 आएगा, सम करेंगे तो x माइनस एक्स डिलीट होगा और 27 बच जाएगा, तो सम 27 है। दूसरा कंडीशन क्या है कि दोनों का प्रोडक्ट 182 है, दोनों का प्रोडक्ट इस मीन्स कि एक्स और 27 माइनस एक्स दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो मेरा 182 के इक्वल टू है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हमने लिख लिया, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक, अब ये माइनस एक्स इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 27 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 27x प्लस का 182 इक्वल टू 0। ठीक, अब यही हम लोग पढ़े हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, हम इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा मिल गया। अब देखो 180 को फैक्टराइज करें ऐसा कि प्लस माइनस करने पर माइनस 27 मिल जाए, तो अगर 182 को हम फैक्टराइज करें तो 14 एंड 13, 14 एंड 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, 14 13 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब क्या करेंगे, दो टर्म्स एक साइड, एक टू टर्म्स एक साइड, एक्स कॉमन हो गया तो क्या होगा, एक्स माइनस का 14 माइनस का 13 इसमें कॉमन लिए तो ये एक्स माइनस का हो जाएगा 14 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 14
अब देखो यहाँ माइनस था तो ये सिंबल क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं कि प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब x माइनस 14 दोनों से कॉमन हो गया, तो यहाँ से बचेगा क्या, x माइनस 13 इक्वल टू जीरो, ठीक। अब इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 14 इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू 14, एक x की वैल्यू क्या होगी 4, एक x माइनस 13 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 13, एक x की वैल्यू ये आ गई, ठीक। अब इसमें से कौन x की वैल्यू ले, तो इसमें दोनों में से कोई वैल्यू हम अगर हम लेट x की ले लें तो हमको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक। अगर हम x की वैल्यू 40 लेते हैं तो x इक्वल टू यहाँ 14 होगा, इसमें 27 माइनस 14 करेंगे तो ये आएगा मेरा 13, मतलब एक 14 और ये 30 नंबर है। अगर हम 30 लेते हैं तो फर्स्ट नंबर मेरा 13 होगा और सेकेंड नंबर मेरा क्या होगा 14 होगा, ठीक। अब इसमें ऐसा कोई कंडीशंस नहीं दिया हुआ कि दो नंबर है उसमें फर्स्ट दूसरे से बड़ा है या छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर 14 13 भी हो सकता है, 13 14 भी हो सकता है, दोनों आंसर सही है, ठीक है। इस तरह से मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आई होप कि आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन सब एनसीईआरटी बुक का है और क्वेश्चन अभी तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि अभी बेसिक है, कुछ क्वेश्चन हम स्टैंडर्ड जो रहेंगे उसको करवाएंगे, क्यों जब तक बेसिक नहीं आएगा तब तक हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन हम इसलिए करवा रहे हैं कि कम से कम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कम से कम क्लियर हो जाए, ठीक। वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन में क्या होता है कि वर्ड्स के जो कॉन्सेप्ट है, वर्ड्स के जो मीनिंग है, अगर ये बात समझ में आ गई आपको तो वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता। बट वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन का मतलब ही आपको नहीं समझ में आए, वर्ड्स जो सेंटेंस लिखा है सेंटेंस की मीनिंग नहीं है समझ में आई आपको, तो आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फोकस किस में होना चाहिए कि जो क्वेश्चन राइट है लिखा हुआ है उस क्वेश्चन की मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन की मीनिंग अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन एक बार में सही नहीं होगा, दो बार में नहीं सही होगा, तीन बार में नहीं सही होगा, कब तक नहीं सही होगा, कभी ना कभी उसको सही होना ही है। बट अब उसके मीनिंग ही क्या है वही नहीं समझ आ रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365। क्वेश्चन इस साइड दिख रहा होगा आप लोगों को कि फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करिए, सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365, जिसका दोनों का स्क्वायर करके अगर हम सम करें तो उसकी वैल्यू 365 हो जाती है, ठीक। अब दो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, इसलिए हम लोग कैसे इसको लेट करेंगे इसको देखना, इसका सलूशन कैसे होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स की जब भी बात करेगा तो हम लेट करेंगे लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इन इंटीजर बी एक्स। अगर हम पहला इंटीजर एक्स सपोज कर लिए तो सेकेंड वाले क्या ऐड करेंगे देखो, देन सेकेंड बी एक्स प्लस वन। अब एक्स प्लस क्यों वन हुआ, देखो इंटीजर्स क्या होता है 1 2 3 4 5 6, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करा तो ये रहा, ये जीरो होता है, इधर माइनस का सब होता है, इधर प्लस का होता है, नंबर लाइफ पे जब इसको डिनोट करते हैं तो ये जीरो इस साइड माइनस इस साइड प्लस। अब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो हम सारे इंटीजर्स की बात करेंगे जो ये रहेगा। अब इसमें देखो कितने का डिफरेंस है, सब में देखा जाए तो वन वन का ही डिफरेंस है। कॉन्जुगेटिव की बात कराएं, कॉन्जुगेटिव मतलब क्या होता है लगातार कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब 2 3 की बात करेगा, 3 4 की बात करेगा, 4 5 की बात करेगा, 5 6 की बात करेगा, ऐसा नहीं कि 1 3 की बात करेगा, 3 5 की बात करेगा, ठीक। तो कॉन्जुगेटिव बोला है तो अगर इसमें 1 1 का डिफरेंस है तो अगर हमको दो इंटीजर्स फाइंड करने हैं तो पहला अगर हम कुछ भी लेट करें x तो सेकेंड को फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1 ही करेगा। 3 दे दिया होता तो x x प्लस 1, इसको हम क्या करते हैं x प्लस 2, इसको x प्लस 3, इसको x प्लस 4, इसको x प्लस 5। अब इसमें जितने भी इंटीजर्स देगा कॉन्जुगेटिव है, 5 बोला है तो हम 5 इस तरह लेट करेंगे, 6 बोला तो हम 6 इस तरह लेट करेंगे, 2 बोला है तो 2 इस तरह लेट करेंगे। मेरा ये मकसद नहीं है कि केवल इसी क्वेश्चन को हमको सोल्यूशन करना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर तीन पॉजिटिव इंटीजर्स के सम दिया हुआ है तो उसमें और कोई कंडीशन दिया तो उस पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमने x प्लस वन क्यों किया इसको भी सीख लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों नंबर के स्क्वायर का सम 365 के इक्वल टू है, तो हम दोनों नंबर के स्क्वायर का दिए x स्क्वायर प्लस x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 365, जैसे क्वेश्चन बोला वैसे कर दिया। ठीक, अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर करेंगे वन प्लस टू ए बी मतलब टू ए बी करेंगे तो हो जाएगा टू एक्स, ठीक, इक्वल टू 265। अब देखो एक्स एक्स क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स प्लस का वन माइनस का 265 सॉरी 365 है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्या 365 है। अब इसमें देखो और सोल्यूशन करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स प्लस सॉरी माइनस होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 364 इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे ए भी टू से डिविजिबल है, ए भी टू से, ए भी टू से, तो हम क्या करेंगे टू से सब में डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू वन जा टू एट जा टू टू जा 182 आ गया। अब मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो बन गया। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो इसके पहले ठीक इसी को हम सोल्यूशन करे थे, इसी टाइप का था। अब यहाँ प्लस का एक्स चाहिए इट मीन्स प्लस का वन, तो 14-13 इसका फैक्टराइजेशन हो गया, 14 से 13 माइनस कर दो ये आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू जीरो। अब इसमें से क्या है x कॉमन ले लिए तो x कॉमन लिए तो x प्लस 14 माइनस का 13 कॉमन लिए तो ए बी एक्स प्लस क्या होगा 14 इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू जीरो, देन x प्लस 14 इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 14, x माइनस 13 इक्वल टू जीरो देन x इक्वल टू 13, एक वैल्यू माइनस 14 और एक वैल्यू माइनस 13। अब इसमें से इसको लेंगे हम या इसको लेंगे तो मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है तो नेगेटिव को हम क्या करेंगे इग्नोर करेंगे क्योंकि इंटीजर्स जो है पॉजिटिव की बात किया था पॉजिटिव वाला लेंगे। तो x इक्वल टू 13 है तो मेरा फर्स्ट जो मेरा इंटीजर्स हो जाएगा 13, सेकेंड क्या हो जाएगा x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1 इक्वल टू 14, तो एक दो 13 और 14 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चाहे तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि मेरा ये सही या गलत। तो हमने क्या बताया था ये जो इक्वेशन बना है इसमें इसकी वैल्यू पुट करो, 13 का स्क्वायर करो 14 का स्क्वायर करो दोनों का ऐड करो 365 होना चाहिए, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर क्या होता है 14 का मे बी 196 होता है। अब इसको ऐड करो 9, 6, 15 की 5 और 9, 6, 15, 1, 16, 3, 365 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से मेरा आंसर क्या है सही है। अब चाहे तो इसमें आंसर चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन को हमने सोल्यूशन कर लिया। आई होप कि इस सेकंड क्वेश्चन जो है आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं, वह क्वेश्चन जो है वो ट्राइंगल पर डिपेंड है, उसको भी देखते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम पर बेस क्वेश्चन है उसको देखें क्या है उसको करते हैं थोड़ा। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी का कि द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल, क्वेश्चन दिख रहा होगा कि द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, करा कि राइट ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह कुछ होगा ए है बी है और सी है। बोला है कि द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, जितना भी बेस है एक्स सेंटीमीटर अगर इसका बेस है तो इससे 7 सेंटीमीटर कम क्या है इसका अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, तो हाइट को हमने क्या समझ कर लिया कि एक्स माइनस 7 इससे 7 सेंटीमीटर क्या है कम है, तो हम सपोज कर लें कि इसकी अल्टीट्यूड क्या होगा एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, इसका हाइपोटेनस क्या है 13 सेंटीमीटर, देन फाइंड द अदर टू साइड्स, इसके दो अदर साइड्स मतलब इसके और इसको फाइंड करना है। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे कंप्लीट करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम में जानते हैं
कि अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक, उसी को हम यूज करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, कर सकते हैं। ए बी इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस सेवन, एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ए सी मतलब 13 का स्क्वायर। इसको सोल्यूशन करें तो ए का स्क्वायर इट मीन्स कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 49, सेवन सेवन या 49 माइनस 2ab, तो 2a इंटू बी प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या होता है, डायरेक्ट लिख दिया 169। इसको और सोल्यूशन कर दिए तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और a हो जाएगा प्लस का 49 माइनस का 7 टू 14x इज इक्वल टू 169। अब इसको देखो 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 उसको इस साइड लाए तो 169 माइनस का हो जाएगा इक्वल टू, तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x इसमें से इसको माइनस का दो तो 9 से 9 गया 0 माइनस में आएगा और 6 से 4 गया 2 1 120 आ गया 120 आ गया। अब देखो ये 2 से सब डिविजुअल है तो इसको और 60 में भी कर सकते हैं, 2 से डिविजुअल है तो 2 से सब में डिवाइड करो तो x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, मेरा क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक, अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर दें, हम सॉल्यूशन कर दें तो मेरा x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसको देखो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0 है। अब 60 का ऐसा फैक्टर करना है कि प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए, तो 12 5 जाए 60 होता है, 12 से 5 माइनस करो तो 7 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0, 12 5 जाए 60 और माइनस प्लस माइनस होता है, 12 से 5 माइनस कर दो तो माइनस। अब एक्स इसमें से कॉमन ले तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 12 प्लस का 5 कॉमन ले लिया यहाँ सर तो हो जाएगा एक्स, ये माइनस है 12 इक्वल टू 0 होगा, x माइनस 12 इक्वल टू सॉरी x माइनस 12 दोनों से कॉमन ले तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, एक x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 5। अब देखो x इक्वल टू एक 12 है और एक x इक्वल टू माइनस 5, तो कोई भी शेप हो चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो चाहे ट्रायंगल हो चाहे कोई भी हो उसके जो साइड होते हैं वो नेगेटिव में नहीं होते हैं, कभी देखे हो कि उसका माइनस में लेंथ दिया हुआ है, कभी नहीं। तो हम क्या करते हैं माइनस फाइव को क्या करते हैं इग्नोर करते हैं, एक्स की वैल्यू हम क्या लेते हैं सेवन और ट्वेल्व, एक्स की वैल्यू जब ट्वेल्व है तो इसका बेस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो अल्टीट्यूड की बात करें तो अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो मेरा आंसर क्या आएगा अल्टीट्यूड हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, बेस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज गिवन ही है। ठीक, इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लिए, आई होप आप लोग को ये अच्छे समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन के लेवल को समझ में आ रहा है, क्वेश्चन कराने का तरीका समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर करिए। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग का थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है जिससे हम लोग और अच्छा देने का प्रयास करते हैं, और अच्छा जब प्रयास करेंगे तो जो लेवल क्वेश्चन का हो सकता है उस लेवल को थोड़ा सा और बढ़ा के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सोल्यूशन कराएं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।